प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर यूट्यूबर अनम शेख को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया लाई खान जी, जो कि अपने दमदार और बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके से लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। हमारे भारत देश में असदुद्दीन अवैसी की बात जो आप लोग मेरे पाकिस्तानी चैनल पर बैठने से पहले तक सुनती थी, वो आज तक वंदे मातरम नहीं बोलता है, क्योंकि वो सीधा कहता है कि वंदे मातरम हम नहीं बोल सकते, भारत माता की जय वो नहीं बोलता है। वो सीधा बोलता है कि हमसे बुलवा ही नहीं सकते आप भारत माता की जय, हम बोलेंगे ही नहीं वंदे मातरम। तो हमारे यहाँ भी ऐसे लोग हैं, आपके यहाँ तो किसी दूसरे देश के लोगों ने किया है, अफगान के लोगों ने ये हरकत की है। हमारे यहाँ तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पर बैठे हुए हैं, जो नेता मंत्री बनकर के बैठे हुए हैं, वो यहाँ पर ये हरकतें करते हैं। हमारे भारत में एक सिनेरियो सेट हुआ हुआ है, स्टालिन जैसा कांग्रेस की पार्टी से अलायंस वाला लोग जब भारत में रह करके भारत के चेयर पर और गद्दी पर बैठ करके एक पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य बन करके एक बड़ा नेता बन करके जब वो सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बोलता है तो उसका प्रमोशन होता है, वो स्टेट के मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर बनने पर चला जाता है। लेकिन हम मुसलमानों को अगर सिर्फ पढ़ने के लिए बोल देते हैं, हम मुसलमानों को अगर शिक्षित होने के लिए बोलते हैं, हम मुसलमानों को इंसान बनने के लिए बोलते हैं, हम मुसलमान पुरुषों को लव जिहाद करने मना करते हैं, हम मुसलमान पुरुषों को लैंड जिहाद करने मना करते हैं, हम मुसलमान पुरुषों को गला रेतो जिहाद करने मना करते हैं, हम मुसलमान पुरुषों को रेप जिहाद मना करते हैं, तो हमारी मॉब लिंचिंग करने का इंतजाम कर देते हैं मुसलमान। तो आपके यहाँ तो अफगानी ने किया आपके नेशनल एंथम को डिसऑनर, हमारे यहाँ तो हमारे अपने खुद के मुसलमान डिसऑनर करते हैं। अच्छा मैम, क्या वजूहात हैं कि जहाँ पर हम, आपने भी कहा कि मुस्लिम जो हैं वो यहाँ पर भारत के अंदर भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज करते हैं, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पाकिस्तान से जो मुस्लिम जाते हैं वो भारत से नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बदनाम होते हैं कि भाई भारत में मुसलमान भी ऐसे हैं, पाकिस्तान के मुसलमान भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पाकिस्तानी खुद ये बात कहते हैं कि सऊदी असल मुसलमान नहीं, क्योंकि भाई वो सिनेमाज बना रहे हैं, वो मंदिर बना रहे हैं और वो इस तरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं। फिर दूसरी तरफ पाकिस्तानी मुसलमान खुद कहते हैं कि अफगान जो है वो दहशतगर्दी फैलाते हैं, मतलब मुसलमान दहशतगर्दी फैला रहा है, ये पाकिस्तानी मुसलमान खुद कहते हैं अफगानियों को ब्लेम करके कि मुसलमान पूरी वर्ल्ड में बदनाम होता जा रहा है, पाकिस्तानी बदनाम होता जा रहा है और मुसलमान पाकिस्तानी जो है वो मुसलमान पे ब्लेम कर रहे हैं, हम असल मुसलमान है, दूसरा मुसलमान गलत है, दूसरे देश का मुसलमान गलत है। क्या वजूहात है ये एक्टिविटीज मुसलमानों के अंदर से खत्म नहीं हो रही, ब्लेमिंग नफा नफसी ये चीजें बढ़ती चली जा रही हैं? अनम देखिए, हम लोग अपने पर्स में, अपने पॉकेट में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और जिस प्रोफेशन में होते हैं उस प्रोफेशन का कार्ड लेकर के घूमते हैं, पर मुसलमानों के पॉकेट में और पर्स में एक साथ में विक्टिम कार्ड भी होता है, तो जहां पर वो फंसते हैं वहां पर वो विक्टिम कार्ड खेल देते हैं। अब देखिए, बारह वफात अभी मनाया गया जिसमें हमारे देश में, भारत देश में कई जगहों पर फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए और साथ में गुस्ताख रसूल की सजा सरतन से जुदा का फॉर नो रीजन नारा लगाया गया, फॉर नो रीजन, कोई ऐसी बात नहीं थी, पर माइक पर सारे नौजवान मुसलमानों ने इसका नारा लगाया। अब इनको प्रोवोकेशन कहां से मिलता है? इनको प्रोवोकेशन मिलता है जब असदुद्दीन अवैसी अपना शपथ लेता है एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंदर, तो वो फिलिस्तीन को जिंदाबाद बोलता है और उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं होती है, हालांकि हमारे संविधान में है कि उसकी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, हमारा कानून बोलता है कि उसको अरेस्ट करना चाहिए और उसकी और उसके संसद के पार्लियामेंट की जो चेयर है उसको खत्म कर देना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब देखिए, असदुद्दीन अवैसी का छोटा वाला भाई अकबरुद्दीन अवैसी, उसने कहा 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ, सारे हिंदुओं को बता देंगे कि हम 20 करोड़ की 25 करोड़ की आबादी, हम क्या कर सकते हैं तुम्हारे साथ। तो कुछ दिन के लिए जेल गया, उसके बाद फिर उसका बेल हो गया, जेल के बाद बेल,
उसके बाद फिर अभी आप देखिए कि मुनव्वर फारूकी, जिसको सलमान खान जो एक्टर है वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। क्यों सपोर्ट करते हैं? क्योंकि मुनव्वर फारूकी ने सीता माँ को और भगवान राम को बहुत डिफेम किया था, बहुत बेइज्जत किया था अपने कॉमेडी शो में, बहुत बेइज्जत किया था, मतलब गंदे तरीके से बेइज्जत किया था। यहाँ तक कि उसने मुनव्वर फारूकी ने हमारे गृह मंत्री का भी मजाक उड़ाया था, हमारे प्रधानमंत्री का भी मजाक उड़ाया था अपने कॉमेडी शो में। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर उसको सलमान खान ने पूरा प्रोटेक्शन दे दिया। अब देखिए, मैं पूजा करती हूँ तो मेरा मॉब लिंचिंग का पूरा इंतजाम कर दिया गया, लेकिन वो सलमान खान करता है पूजा, गणपति पूजा करता है, तो मुसलमान उसको उसको नहीं जाते हैं मॉब लिंचिंग करने के लिए, क्योंकि मुसलमानों को पता है कि वो ड्यूअल फेस रख करके वो मुनव्वर फारूकी जैसे लोगों को प्रोवोकेशन दे रहा है क्राइम करने के लिए, टेररिज्म फैलाने के लिए मुनव्वर फारूकी जैसे लोगों को वो प्रोवोक कर रहा है। तो इस मुसलमान जो है सबके सब बुरे नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन जो समाज के ठेकेदार बन करके बैठे हुए हैं वो मजबूर हैं इस तरीके की टेररिज्म एक्टिविटीज करवाने के लिए, क्योंकि सारे के सारे मुसलमान अगर शिक्षित हो जाएंगे तो फिर उनका उनकी आवाज में आवाज कौन मिलाएगा, उनको बड़े बड़े चेयर पे कौन बैठवाएगा, उनका जय जयकार कौन करेगा, वो जब मंच पर चढ़ेंगे तो नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा कौन लगाएगा, क्योंकि जो शिक्षित हो जाएंगे, जो इंजीनियर डॉक्टर वकील ओवरसियर मजिस्ट्रेट बन जाएंगे, जज बन जाएंगे, वो क्या कभी असदुद्दीन अवैसी की मीटिंग में जाकर के नारे तकबीर का नारा लगाएंगे, औरंगजेब का जिंदाबाद का नारा लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, वो तो बोलेंगे कि भाई हम ये सब काम क्यों करेंगे, मैं जज के चेयर पर बैठा हुआ हूं, मैं ये सब क्यों करूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो विक्टिम कार्ड है, देखो अफगानी खराब मुसलमान है, देखो सऊदी अरबिया का मुसलमान खराब है, भारत वाले बोलते हैं भारत का मुसलमान सबसे अच्छा है, बाकी सारे मुसलमान खराब है, पाकिस्तान वाला बोलता है पाकिस्तान का मुसलमान अच्छा है, बाकी सारे खराब है, तो ये इनका एक्सक्यूज का एक प्रोपेगेंडा है, जो वो जहां रहते हैं वहां पर एक्सक्यूज और विक्टिम कार्ड से खेल खेल करके अपने आप को सुरक्षित रखते हैं और बाकी धर्मों को का वो विनाश करते रहते हैं। आकर आप देखो, श्रीलंका में हिंदू खत्म, पाकिस्तान में हिंदू खत्म, उसके बाद फिर अभी बांग्लादेश में हिंदू खत्म, तो ऐसे धीरे अफगान में हिंदू खत्म, तो धीरे धीरे कर कर करके मेन स्ट्रैटेजी है कि यहूदी को खत्म करना है, ईसाई को खत्म करना है, बौद्ध को खत्म करना है, सिख को खत्म करना है और हिंदुओं को खत्म करना है, सिर्फ मुसलमानों को का ही ये पूरी दुनिया बना डालना है। तो ये इनकी आपस में मिली भगत है, एकदम मिली भगत है। आपको क्या लगता है कि मेरे साथ जो मॉब लिंचिंग हुई है वो उसका मुहिम तो छिड़ा था पाकिस्तान से, तो क्या पाकिस्तान से इन लोगों को पैसा नहीं आया? खास अगर पैसा आया नहीं तो इतना बड़ा मॉब लिंचिंग का इंतजाम कैसे हो गया, कैसे हो गया, इतने लाखों रुपए खर्च कैसे हो गए, 5-5 लाख 10-10 लाख हैंडबिल बांटे जा रहे हैं, बड़े बड़े हॉल में मेरे खिलाफ में सेमिनार किया जा रहा है, बड़े बड़े टीएमसी के नेता मंत्री बुलाए जा रहे हैं, 500 मीडिया बुलाया जा रहा है, वो भी पेड मीडिया, नेशनल न्यूज नहीं, यूट्यूबर्स, पेड मीडिया बुलाया जा रहा है, उसके बाद 250-300 वकील खड़ा किया जा रहा है मेरे खिलाफ, तो इसमें तो खर्च होता है ना। क्या आप कर सकती हैं ये काम? क्या आप 5 लाख आदमी को जमा कर सकती हैं किसी एक आदमी के खिलाफ? तो ये करने के लिए भी पैसे खर्च होते हैं, तो आप सोचो ना कि ये पैसे जो आ रहे हैं ये टेररिज्म करने के लिए ही तो आ रहे हैं। अब हमारे यहाँ जमायतुल उलमा हिंद है, हमारे भारत में इलाहाबाद बॉम्ब ब्लास्ट में जितने मुसलमान आरोपी पकड़ाए थे, उन तमाम मुसलमान आरोपियों के लिए कौन कौन फंडिंग किया था? हमारे भारत में जमायतुल उलमा हिंद ने किया था। अब जमायतुल उलमा हिंद का ओनर कौन है भाई? जो सबसे बड़ा जो शहंशाह है वो कौन है? मदनी है, जो अक्सर टीवी चैनल्स पर बैठता है, मदनी है। अब आपके पाकिस्तान के आरजू काजमी के यूट्यूब चैनल पर एक मौलाना बैठता है, मेरी मॉब लिंचिंग में उसका भी हाथ था, उसका फोन अगर अभी सीबीआई सीज करे या एनआईए सीज करे तो पता चल जाएगा कि वो बंगाल में किससे किससे बात करता था, बंगाल में किससे किसको किसको वो पैसा भेजता था और किससे किससे पैसा मंगवाता था। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा साजिद रशीदी का। साजिद रशीदी 2012 और 11 में हलाल सेंटर चलाता था, तो वो सारी चीजें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो
बेसिकली ये विक्टिम कार्ड खेलना होता है और एक्सक्यूजेस देने होते हैं, लेकिन स्ट्रैटेजी एक होती है, चाहे वो कोई भी हो और किसी भी देश में हो, स्ट्रैटेजी एक होती है कि बाकी धर्मों का विनाश करना है और बाकी धर्मों को खत्म करना है और पूरे दुनिया को इस्लाम का बना देना। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया लाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और इम्पोर्टेंट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।